डॉक्टर दीक्षांत, एक चीज़ और हम बहुत कॉमनली देखते हैं, मतलब बहुत सामान्य ये देखने को मिलती है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब ये आपको एक छोटी सी टिकिया है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, लेकिन उसे उस छोटी सी टिकिया को लेकर वो बड़ा भार ले लेते हैं अपने ऊपर, सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कई बार तो ये सोचते हैं कि हम ठीक है, हम क्यों खाएं इसे, सो ये जो बीपी की दवा है इसको लेकर भी मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करने का, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली ये सब वही आ जाता है कि एक जिंदगी भर अगर मेरे को खानी पड़ेगी, उसकी आदत लग जाएगी, इसके बिना क्या होगा, इसको खा के चक्कर आते हैं, चक्कर आए, तो ये सब वैलिड सवाल होते हैं। बट ये सब एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए कि पहले रिस्क और बेनिफिट कितना है। कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका वाकई हाई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर वाकई हाई है तो आपको दवाई खानी चाहिए, क्योंकि उसका ये रहता है कि उसका अगर आपने दवाई नहीं खाई तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसका रिस्क ऐसे ज़्यादा रहता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी कोई दिमाग की नस फट सकती है, आपके दिल रुक जाएगा एकदम से, और फिर उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको एक छोटी गोली जो है वो खानी चाहिए। उस गोली का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे हमें नॉर्मली नहीं पता चलता है कि हाँ ठीक है हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता है और वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 170, 180, 200 कई बार ही रहता है और वो कहते हैं कि हम नहीं खा रहे आज तक तो हमें कुछ नहीं हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जिस दिन कुछ होगा वो काफ़ी भारी हो जाएगा, तो वो उस भारी नुकसान से बचने के लिए हमें पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लेने चाहिए। जी सर, अब यहाँ पे ये भी बताएं कि जो अब हम जो टेस्ट करते हैं हार्ट रेट और साथ ही बीपी, तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कई चीज़ों के चेंज होते रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो हार्ट रेट या दिल की जो बीट्स है वो हम कहते हैं 70-80 अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन आप बैठे बैठे ही वो 100 से ज़्यादा है तो उससे आपका दिल में बहुत काम करना पड़ रहा है, तो दिल का जो पंपिंग फ्यूचर में कम हो जाने का जो खतरा है। इसका कारण होता है जैसे किसी को थायराइड का कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरा बीमारी है, उसके कारण भी दिल की धड़कन बढ़ सकता है, इसीलिए हमको उस कारण देखना पड़ेगा। कोई कारण से अगर दिल की धड़कन ज़्यादा है तो वो कारक को हम अगर ट्रीट करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दिल की धड़कन 100 से ज्यादा कंटिन्यूअसली पाम करते रहना, रात सोने के टाइम भी अगर सर से, तो उससे हमारा दिल में बहुत सर, लेकिन कहते हैं उम्र के साथ, जैसे आपकी उम्र ज्यादा है, 60 प्लस है आप, तो ये थोड़ा ऊपर चलता है, ये है सही क्या बात? नहीं, ये अपोजिट है। जैसे ही हमारा एज होता है हमारा छोटे छोटे बातों में स्ट्रेस कम हो जाता है, तो जनरली दिल की धड़कन संतुलित रहता है, 60-70 में ही रहता है, और जब यंग एज में जैसे थोड़ी सी बातों में टेंशन, किसी से लड़ाई झगड़ा, उसमें से जैसे कहते हैं खून गर्म हो गया तो ज्यादा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल की धड़कन साथ। दूसरी बात आपने पूछा बीपी क्या रहना चाहिए, बीपी हम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कुछ मापदंड सोसाइटी, हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी या इंडिया का भी कुछ सोसाइटी ने दिया है, लेकिन जो किसान भाइयों के लिए ये है कि आपकी बीपी अगर 140 और 90 के नीचे है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम दवाई तुरंत शुरू नहीं करेंगे। आपको हम कहेंगे इसको ख्याल रखो, इसको देखते रहो, नमक कम करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये रेगुलर एक्सरसाइज जो किसान भाई बोलते हैं मैं खेत में जाता हूँ तो मेरा तो एक्सरसाइज हो गया, ये गलत है। जो एक्सरसाइज हम कहते हैं वो है कि लगातार 30 मिनट या हफ्ते में 150 मिनट लगातार करना होगा, एक दिन में 30 मिनट या 45 मिनट तक आपको करना होगा। उससे क्या होना है, उसका आपका हार्ट की बीट थोड़ा बढ़ना है, तब भी उसको एक्सरसाइज कहेंगे। आप किसानी कर रहे हो, फिर घर आए चाय पिए, फिर 10 मिनट किसानी कर रहे हो, इसको हम एक्सरसाइज नहीं मानते। इसीलिए अगर एक्सरसाइज से आपका दिल को फायदा पहुंचना है तो मिनिमम सबसे कम 30 मिनट रोजाना आपको कंटिन्यूअसली एक काम करना है। साइकिलिंग कर सकते हो आप, अगर आपके पास पानी या नदी है आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो 30 मिनट कंटिन्यूअस, नहीं तो सबसे बेस्ट है आप तेजी से वॉक करो, दैट इज वो सबसे बेस्ट है। तो शुगर अगर आप बीपी 140-90 क्रॉस हो गया, और ये हमने पाया कि दो बार मापने पे ये पाया गया कि 140 या 90 से ज्यादा है, तो हम कहते हैं आप जो कर रहे हो उससे आपका सुधार नहीं हो रहा है, हम आपको अभी दवाई से ये करना पड़ेगा। अभी लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि बीपी ज्यादा रहेगा जैसे दिशांत जी ने कहा, लेकिन ये ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में बोलते हैं साइलेंट किलर,
बहुत डिजीज नहीं है जो साइलेंट किलर होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, क्योंकि इससे स्ट्रोक होगा तो बचने का चांस तो कम है, और बचोगे भी तो अपाहिज बचोगे, इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस, जिससे आप जिंदगी भर सांस फूलते हुए, पैर फूलते हुए, सूजे हुए जियोगे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है किडनी डैमेज करता है। तो आपको घर वाले को डायलिसिस के लिए हर तीसरे दिन ले जाना पड़ता है। तो किडनी फेलियर का सबसे हाईएस्ट कॉज जो है, ज़्यादातर कॉज जो है, हाइपरटेंशन है, साइलेंटली बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए ये सबसे बचना है तो एक गोली तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बीमार हो जाए, जब किडनी खराब हो जाए, उसके बाद जो डायलिसिस के लिए रोज लाइन लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर दीक्षांत, अब जैसे